कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में एक बिजली ठेकेदार की लापरवाही के चलते मजदूर को हाई टेंशन लाइट पर बिना बिजली काटे चढ़ा दिया गया, जिससे करंट लगने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हस्तनापुर का रहने वाला चमोली कुशवा मजदूरी करने के लिए शहर आया था। यहाँ बिजली ठेकेदार विजय भदौरिया ने उसे एक निर्माणाधीन मकान के कनेक्शन के लिए चालू लाइन पर खम्भे पर चढ़ा दिया, जिससे तेज करंट आने से चमोली कुशवा खम्भे से नीचे आ गिरा और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। चमोली कुशवा की लाश को भिंड रोड पर दीनदयाल नगर तिराए पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उल्टे पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन थाने में बंद कर दिया। परिजनों की मांग थी कि चमोली कुशवा घर में अकेले कमाने वाला था, उसकी सयानी बेटी है, इसलिए बेटी को नौकरी के अलावा परिवार की 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए और ठेकेदार विजय भदौरिया पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मौके पर पहुंचे SDM ने अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए चमोली कुशवा के परिवार के लोगों को दिए हैं और जांच का भरोसा दिया है। वहीं पुलिस ने बलपूर्वक लाश को रास्ते से हटवा दिया। इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं और पीड़ित परिवार की मदद के बहाने क्षेत्र में अशांति फैला रहे थे। वहीं परिजनों ने दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ से पकड़ के ले गए थे, खींच के मेरे को भी मारा ये पुलिस वालों ने। वो दो चार लोग और थे बिना वर्दी के, वो मालूम नहीं पुलिस वाले थे कौन और थे, उनने मेरे को मारा और मेरे भाइयों को मारा है साथ में। मेरा नाम रिंकू कुशवाहा है। घटना ये घटी थी कि हमारे जीआई को करंट लग गया था, ऊपर खम्भे से गिर गए थे, उसका इलाज वगैरह कुछ नहीं करवाया। तीनों ने लाइनमैन ठेकेदार और जो काम करवा रहा था मकान वाला, उसने भी यहाँ की देखने भी नहीं आया हॉस्पिटल। सारा पैसा हमने दिया है, प्राइवेट इलाज कराया, फिर सरकारी में ले गए उसको और हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ से छोड़ कर भाग गया। क्या नाम है मृतक का? नाम है चमोली कुशवाहा। क्या हाँ किया था पुलिस वालों ने? कुछ नहीं है, SDM साहब ने कुछ राशि दे दी है और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको कुछ 15,000 रुपए दिए। सारे बंदे हमारे, दो तीन बंदे उन लड़कों को, कार्रवाई आगे होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि उसकी लड़की का भविष्य, आगे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य बन जाए। 15 लाख रुपए हो, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मिले और उसकी बच्ची को सरकारी नौकरी या उसको कुछ काम मिल जाए। कौन था ठेकेदार? ठेकेदार का विजय भदौरिया बता रहे हैं, वो वैसा ही ठेकेदार बता रहे हैं। ये तोर ग्राम तोर हस्तनापुर। एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बिजली के खंभे से गिर के सुनील नाम के व्यक्ति की, जो हस्तनापुर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उनके परिजनों ने आक्रोशित होकर थोड़ी देर यहाँ प्रदर्शन किया और SDM साहब यहाँ मौजूद थे और उसके बाद उनको तात्कालिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई और जो भी उनकी विधिक मांग है उसके पूरा किया जा रहा है। नहीं क्या नहीं, वो परिजन नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो यहाँ परिस्थिति का फायदा उठा के जो पब्लिक आ जा रही है उनको रोक रहे थे और उनके साथ अभद्रता कर रहे थे उनकी ये